दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय गुरुकुल स्कूल पद्धर। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक में 6 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इनमें 1 हमीरपुर और 5 मंडी जिला के रहने वाले थे। मंडी जिला की सुंदरनगर तहसील क्षेत्र के 38 वर्षीय व्यक्ति, चचोट तहसील क्षेत्र के 80 वर्षीय व्यक्ति, बल उपमंडल क्षेत्र की 68 वर्षीय महिला और कोटली तहसील क्षेत्र के 31 वर्षीय व्यक्ति की नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है, जबकि संधोल क्षेत्र की 40 वर्षीय महिला ने बुधवार देर साय यहां दम तोड़ा है। इसके अलावा गुरुवार को यहां हमीरपुर जिला की भोरंज तहसील क्षेत्र की 70 वर्षीय महिला की भी मौत हुई है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के MS डॉक्टर जीवानंद चौहान ने खबर की पुष्टि की है। पद्धर स्थित गुरुकुल स्कूल में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। आज ये क्षेत्र में बच्चों व लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इसके पीछे कई कारण है। शिक्षक अनुभवी व मेहनती हैं। यही कारण है कि परीक्षा परिणाम हमेशा शानदार रहता है। बच्चों को लाने व घर पहुंचाने के लिए बसें उपलब्ध हैं। साफ पेयजल की व्यवस्था है। SMS के माध्यम से बच्चों की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। स्कूल CCTV कैमरों की निगरानी में है। हर माह SMC की बैठक होती है। नमस्कार, मैं सुभाष यादव, प्रबंधक गुरुकुल पब्लिक स्कूल पद्धर। मेरा यह मैसेज उन अभिभावकों के लिए है जो गुरुकुल पब्लिक स्कूल के साथ जुड़े हैं व जुड़ना चाहते हैं। प्रिय अभिभावकों, मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि गुरुकुल पब्लिक स्कूल पद्धर में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल में आकर एडमिशन ले लें, ताकि हम ऑनलाइन क्लासेज जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। अतः हमने कोरोना काल के चलते यह भी निर्णय लिया है कि जो स्कूल की फीस रहती है उसमें कुछ एक छूट देने का भी प्रावधान किया है, और आप सभी से निवेदन है कि आप स्कूल में आकर अपने बच्चों की एडमिशन ले लें। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि कोरोना काल के चलते आप अपने को भी व अपने बच्चों को तथा अपने परिवार को कोरोना से बचाएं व बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और मास्क का सही उपयोग करें। धन्यवाद।